मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के दलित विरोधी होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वंशवाद व परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते तथा भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वह सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय यही है कि बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक व आर्थिक भेदभाव ना हो तथा समाजवादी पार्टी की सरकार को ही आप तुलना कर ले तो वह अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 18,000 आवास स्वीकृत की थी। उन्होंने कहा कि वह मकान किसी गरीब को नहीं उपलब्ध हुआ तथा आप लोग जाकर दलित बस्ती अनुसूचित बस्ती में देख सकते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है तथा इन गरीबों के हक को हड़पना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है तथा अगर इसको सामाजिक न्याय समझते हैं तो यह सामाजिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक शोषण है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों का हक छीनते हैं तथा पेशेवर अपराधियों को अपना सहयोगी बनाते थे, तब पेशेवर अपराधी गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे तथा बुलडोजर चलाते थे तथा जमीनों पर जबरदस्ती हड़पने का काम करते थे, तब इन लोगों के मुंह से कहीं भी आवाज नहीं निकल सकती थी तथा तब हम विपक्ष में थे तब भी लड़ाई लड़ते थे तथा अब अपराध मुक्त प्रदेश बनाकर सबको सुरक्षा तथा सबको विकास की राह पर जोड़ने का कार्य किया है। यही सबका साथ व सबका विकास का मंत्र है तथा सामाजिक न्याय का मंत्र है। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें ध्यान रखना होगा वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना सागर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे तब भी लड़ाई लड़ते थे और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है और यही सबका साथ सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है और सामाजिक मंत्र के इसी अभियान के तहत यह समता भोज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं मकर संक्रांति की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।